नाउ टुडे वी विल स्टार्ट विद चैप्टर नंबर 13 दैट इज सीजन्स. ठीक है, अब हम सीजन्स के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, अलग अलग तरीके के सीजन्स होते हैं, विंटर सीजन, समर सीजन, रेनी सीजन. ठीक है, हम वन बाय वन सारे सीजन्स को पढ़ेंगे. अब हम स्टार्ट करते हैं. वेदर इज द कंडीशन ऑफ द एयर दैट सराउंड्स द अर्थ. द वेदर इज नॉट सेम थ्रू आउट द ईयर. When weather remains almost same for a long period of time, it is called season. ठीक है, weather क्या होती है, जो condition होती है day to day की. ठीक है, हर जगह की जो weather होती है वो same नहीं होती है. अगर weather same रहे for the long period of time, उसे कहते हैं हम seasons कहते हैं. Now let's start first season, that is summer season. Sometimes weather remains warm for 2 or 3 months continuously. This period is called summer season. जब वेदर सेम रहती है दो या दो से ज़्यादा 3 महीने के लिए, तो उसे क्या कहते हैं, सीजन कहते हैं. और वो कौन सा सीज़न होता है, समर सीज़न. अप्रैल मई एंड जून आर द समर मंथ्स. देखा होगा आपने अप्रैल मई और जून ये कौन से मंथ होते हैं, समर मंथ होते हैं. इसमें बहुत ज़्यादा आपने देखा होगा गर्मी होती है. ठीक है, ड्यूरिंग द सीज़न द सन शाइन्स वेरी ब्राइटली एंड द हॉट विंड्स ब्लो ड्यूरिंग दियर टाइम. द हॉट विंड्स आर कॉल्ड ब्लू. आपने देखा होगा समर सीजन में सन बहुत ब्राइटली शाइन करता है. ठीक है, और उससे क्या होती है, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है. और आपने देखा होगा गर्म हवा भी चलती है, और जो वो गर्म हवा होती है इसे क्या कहते हैं, हम लू कहते हैं. द डेज आर लॉन्ग एंड द नाइट्स आर शॉर्ट इन समर. वी लुक लाइक टू स्टे इनडोर एंड लाइक टू यूज इलेक्ट्रिक फैंस, कूलर्स एंड एयर कंडीशनर. इट इज़ गुड टू वियर लाइट कॉटन क्लोथ्स इन समर. देखो आपने देखा होगा डेज तो इसमें बहुत बड़े होते हैं लेकिन नाइट छोटी होती है. ठीक है, हमें क्या लगता है कि हम अंदर ही रहें. देखा ना, हम गर्मियों में अंदर ही रहते हैं, कूलर का यूज़ करते हैं, फैंस का, एयर कंडीशनर का, जिससे हमें गर्मी ना लगे. ठीक है, हम यहाँ इस दिन कौन से क्लोथ्स पहनते हैं समर सीजन में, कॉटन क्लोथ, जिससे जो हमारा स्वेट है वो क्या हो जाए, एब्जॉर्ब हो जाए और हमें हम थोड़ा कूल फील करें. कॉटन क्लोथ्स एब्जॉर्ब मोर स्वेट एंड कीप्स आर बॉडी कूल. वी लाइक कोल्ड ड्रिंक्स एंड आइसक्रीम, वी ड्रिंक मोर वाटर. ठीक है, हम कौन से क्लोथ्स पहनते हैं, कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं, जो हमारा स्वेट एब्जॉर्ब कर सके और हम कूल फील कर सकें. ठीक है, हम देखा हमने समर सीजन में हम कोल्ड ड्रिंक्स या बहुत ज़्यादा पानी पीते हैं. ठीक है, जिससे हम क्या लगे, ठंडा ठंडा लगे. नाउ नेक्स्ट इज रेनी सीजन. अब हम रेनी सीजन की बात करेंगे, मानसून के टाइम होता है. ठीक है, हम देखा है रेनकोट यूज़ करते हैं, जिससे हम बारिश में भीग ना जाएँ. ठीक है, अम्ब्रेला का यूज़ करते हैं. द रेनी और द मानसून सीजन फॉल्स इन द मंथ ऑफ जुलाई एंड अगस्त. ड्यूरिंग रेनी सीजन द स्काई इज कवर्ड विद डार्क ब्लैक क्लाउड्स एंड इज इट्स ऑफ्टन रेन्स. इट ब्रिंग्स ग्रेट रिलीफ फ्रॉम द हॉट समर्स. आपने देखा होगा जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो जून जुलाई और अगस्त के मंथ में देखा होगा जो क्लाउड्स होते हैं वो डार्क ब्लैक क्लाउड से घिरा होता है, जो स्काई होता है हमारा. ठीक है, और फिर वो क्या करता है, बारिश करवाता है, तो हमें थोड़ा रिलैक्स फील होता है कि थोड़ा ठंडा हो जाता है बारिश से, तो हम थोड़ा रिलैक्स फील कर रहे हैं. पीपल यूज अम्ब्रेलाज एंड वियर रेन कोट टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ. ड्राई रेन इज वेरी यूजफुल फॉर फार्मर्स. देयर इज जड ग्रीनरी ऑल अराउंड अस. समटाइम्स हैवी रेन कॉजेज फ्लड. लोग क्या करते हैं, अम्ब्रेला रेन कोट का यूज करते हैं कि वो भीगे ना, ड्राई रहे. ठीक है, फार्मर्स के लिए बहुत अच्छा होता है कि जब बारिश होती है, लेकिन ज़्यादा बारिश होने से क्या होता है, फ्लड वगैरह जाता है, तो वो क्या होता है, वो बेकार होता है. Now, next season is winter season. अब हम winter season की बात करते हैं. Winter season क्या होता है, जब हम बहुत ठंडा feel करते हैं. ठीक है, जैसे हमारा November, December में होता है. ठीक है, क्या होता है, और हम कौन से क्लोथ्स पहनना पसंद करते हैं, woolen clothes. Now, winter season comes after rainy season. The winter season falls in the month of November, December and January. ठीक है, ये कौन से मंथ में होता है, November, December and जनवरी. इन दीज मंथ्स द डेज आर शॉर्ट एंड द नाइट्स आर लॉन्ग. वी वियर विलन क्लोथ्स टू प्रोटेक्ट आर सेल्फ फ्रॉम द कोल्ड वेदर. वी लाइक टू सिट इन द सनशाइन. सम पीपल सिट अराउंड बॉनफायर्स. वी लाइक टू हैव हॉट ड्रिंक्स एंड हॉट फूड. स्नो फॉल्स ऑन द हाई हिल्स ड्यूरिंग विंटर. ठीक है, विंटर में क्या होता है कि आपने देखा होगा जो हिल्स वगैरह होते हैं वहाँ पर स्नो होती है बहुत ज़्यादा, और हमें हॉट ड्रिंक्स और हॉट फूड खाना बहुत अच्छा लगता है. बिसाइड दीज देर आर मेन सीजन. देर आर टू मोर सीजन. दीज आर कॉल्ड ऑटम सीजन एंड द स्प्रिंग सीजन. ठीक है, दो और सीजन होते हैं, इसे ऑटम और स्प्रिंग कहते हैं. अब पहला सीजन है जिसके बारे में हम बात करेंगे, वो है ऑटम सीजन. दिस सीजन कम्स बिफोर द विंटर सीजन, दैट इज मंथ ऑफ सेप्टेम्बर एंड अक्टूबर. ठीक है,
जो ऑटम सीजन होता है वो विंटर सीजन से पहले आता है, कौन से मंथ में, सेप्टेम्बर एंड अक्टूबर के मंथ। इन दिस सीजन लीव फॉल्स फ्रॉम द ट्रीज, दिस सीजन इज नीदर टू हॉट नॉट टू कोल्ड। देखा होगा पतझड़ जिसे कहते हैं, जो पेड़ होता है उसकी पत्तियाँ गिरने लग जाती हैं, ठीक है। यहाँ पे ज़्यादा गर्मी भी नहीं होती और ज़्यादा ठंड भी नहीं होती। नेक्स्ट इज स्प्रिंग सीजन। अब हम स्प्रिंग सीजन की बात करेंगे। दिस सीजन कम्स बिटवीन विंटर एंड समर सीजन। फेब्रुअरी एंड मार्च आर द मंथ ऑफ स्प्रिंग। द वेदर ड्यूरिंग दिस सीजन इज वेरी प्लीजिंग। आपने देखा होगा विंटर और समर के बीच में ये सीजन आता है स्प्रिंग सीजन, ठीक है। इसमें जो वेदर होती है बहुत प्लीजेंट होती है। कौन से मंथ में आता है? मार्च, फेब्रुअरी मार्च में। इट इज नीदर वेरी कोल्ड नॉर हॉट। ड्यूरिंग दिस सीजन प्लांट्स बिगिन टू ग्रो। ट्रीज एंड प्लांट्स आर फुल ऑफ फ्रेश लीव्स एंड कलरफुल फ्लावर्स इन स्प्रिंग सीजन, ठीक है। यहाँ पे ना ज़्यादा ठंड होती है ना ज़्यादा गर्मी होती। इस टाइम पे क्या होता है, ट्रीज नए नए पत्तियाँ उन पर आने लग जाती है, ग्रो करने लग जाते हैं, ठीक है, और कलरफुल प्लांट ब्लू हो जाते हैं, ठीक है। अब हमने तीन सीजन्स के बारे में पढ़ा, कौन कौन से, समर, विंटर एंड रेनी सीजन, ठीक है। इनके अलावा दो और सीजन होते हैं जो ऑटम और स्प्रिंग होते हैं। दैट्स ऑल फॉर द टुडे। थैंक यू।